फिर से आ रहे हैं सनी देओल गदर 2 में गदर मचाने। सन 2001 में जब सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा आई थी तो सिनेमा घरों में तहलका मच गया था। भारत और पाकिस्तान विभाजन पर आधारित इस फिल्म में सन 47 की पृष्ठभूमि दर्शाई गई थी। फिल्म गदर एक प्रेम कथा आज तक की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों में से एक है। अमीषा पटेल और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने इस फिल्म के माध्यम से बंटवारे को जीवंत करके दिखा दिया था। फिल्मकार अनिल शर्मा ने अपने करियर में जो कमाल इस फिल्म से किया उसे पूरी फिल्म इंडस्ट्री मानती है। आज भी लोग फिल्म के डायलॉग बोलते हैं और हैंडपंप उखाड़ने वाले सीन को याद करते हैं। सनी देओल को जितना प्यार करते देखते हैं उतना ही एंग्री लुक में देखते हैं। भारत में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने फिल्म गदर एक प्रेम कथा नहीं देखी होगी। अब फिल्म को रिलीज हुए 21 साल हो गए हैं मगर दर्शकों की दीवानगी खत्म नहीं हुई है। इसलिए फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल गदर 2 लेकर आ रहे हैं। अनिल शर्मा ने इस सीक्वल की शूटिंग भी शुरू कर दी है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गदर 2 की शूटिंग शुरू हुई मगर इस दौरान एक बवाल भी हो गया। फिल्म के सेट पर जूनियर कलाकारों ने काफी हंगामा मचाया। जूनियर आर्टिस्टों के हंगामा करने वाला एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जूनियर आर्टिस्ट एक साथ डायरेक्टर पर आरोप लगाते दिख रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि शूटिंग के सेट पर काम कर रहे जूनियर कलाकारों को सुबह से खाना पानी कुछ भी नहीं मिला है। एक वीडियो में लखनऊ के कुछ लोग हैं और वो कह रहे हैं कि वो सभी अपना काम धंधा छोड़कर फिल्म में रोल के लिए आए थे और सुबह से धूप में कई घंटों से खड़े रहने के बावजूद ना तो कोई चाय पानी दे रहा है और ना ही कोई कुछ बता रहा है। उन्होंने डायरेक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि सब लोग फ्री में काम करें। कोई कहता है कि पैसा मिलेगा, कोई कहता है नहीं मिलेगा। हालांकि डायरेक्टर अनिल शर्मा की तरफ से कोई बयान नहीं आया पर लोग कह रहे हैं कि इससे अनिल शर्मा की बदनामी हो रही है। लेकिन इस बीच एक तबका और भी है जो कह रहा है कि इस तरह के हंगामे से अच्छा शगुन और क्या होगा। फिल्म गदर 2 में गदर होगा तभी तो फिल्म हिट होगी। सनी देओल और अमीषा पटेल के फैन फिल्म गदर एक प्रेम कथा को याद करके कहते हैं कि इन 21 सालों में 50 बार फिल्म देख चुके हैं लेकिन अब भी अगर किसी चैनल पर फिल्म आ रही हो तो वो फिल्म को देखते ही देखते हैं। फिल्म के गाने उड़ जा काले कावा और मैं निकला गड्डी लेके ऐसे हिट गाने हैं कि दिल को सुकून दे देते हैं। उत्तम सिंह जी के संगीत से सजे गानों को दर्शक अब भी उतने ही उत्साह से सुनते हैं जैसे 21 साल पहले सुनते थे। गदर 2 की शुरुआत होने से दर्शक भी उत्साहित हैं। अब उन्हें जल्दी से फिल्म पूरी होने का इंतजार है। बॉलीवुड से KBC न्यूज की रिपोर्ट।